एलजी डुअल कन्वर्टेबल मॉडल में आज हम आपको बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर में अगर फ़ैन का एरर आता है, इसमें दो फैन होता है, एक फ्रीज़र और एक रेफ्रिजरेटर फ़ैन, देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर कि कैसे आपका एरर कोड आता है। अगर इस तरह का एरर कोड आता है तो समझ लीजिए कि आपके फ्रीज़र में फ़ैन का एरर है। तो ये फ्रीज़र में देख सकते हैं कि दो फ़ैन होता है और दोनों फ़ैन जो है यहाँ पर कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं। अगर आप इस दोनों फ़ैन को चेक करना चाहते हैं तो इसका मेथड है, सबसे पहले पावर देंगे और फिर फ्रिज के डोर को ओपन करके चेक करेंगे मेरे फ्रिज में लाइन आया या नहीं आया। लाइन आने के बाद जब कंफर्म कर लेंगे उसके बाद देखेंगे पीसीबी में एक टेस्ट स्विच होता है। जब पीसीबी में टेस्ट स्विच होगा तो उसको एक बार प्रेस करने पर वो टेस्ट मोड में चलने लगेगा 5 मिनट के लिए। अभी देखेंगे दोनों फ़ैन मेरा कंटिन्यू चल रहा है और इनमें से जो भी फ़ैन ख़राब होगा वो 20 सेकेंड में बंद हो जाएगा, 20 सेकेंड के बाद, और वो फिर से स्टार्ट होगा और फिर 20 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा और फिर से वो दोनों फ़ैन कंटिन्यू बंद हो जाएगा। तो ये 1 मिनट के अंदर में ऐसा ये 3 बार चालू बंद करेगा 20 सेकेंड के बाद में, तो समझ लीजिए वो फ़ैन आपका ख़राब है। तो ये फ्रिज में फ़ैन को डायग्नोसिस करने का सबसे आसान तरीका है LG के फ्रिज में, डुअल मॉडल के फ्रिज में। देखिए मेरा फ़ैन एक बंद हो गया, आप देख सकते हैं हमने टेस्ट मोड में चलाया था, एक फ़ैन बंद हो गया और ये फिर से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है। और एक फ़ैन देखेंगे लेफ़्ट साइड वाला फ़ैन जो है 20-20 सेकंड में बंद हो रहा है और राइट साइड वाला जो फ़ैन है हमारा वो कंटिन्यू चल रहा है, तो चल रहा है मतलब वो फ़ैन मेरा ठीक है, और जो बंद हो रहा है वो बार बार समझ लीजिए वो फ़ैन ख़राब है। अभी देखेंगे दोनों फ़ैन साथ में बंद हो गया। अभी अब हम आपके सामने क्या करेंगे, ये देखिए हमारा कनेक्टर लगा है। अभी ये देखिए ये मेरा रेफ्रिजरेटर फ़ैन था और ये हमारा फ्रीज़र फ़ैन है। अभी अब हम आपको फ़ैन को रिप्लेस करके दिखाते हैं। तो पहले ये मेरा नया फ़ैन है, अभी इसे हम रिप्लेस करते हैं खोलकर। तो अभी इसको चेक करने का भी तरीका वही होगा, रिप्लेस करने के बाद कनेक्टर से डिसकनेक्ट करना है इसको और इसके एक स्क्रू रहता है उसे ओपन कर लेना है आपको। यहाँ पर देखिए स्क्रू ओपन हो रहा है, ओपन करने के बाद ये आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम अभी दूसरा, ये हमारा पुराना फ़ैन है और अभी दूसरा फ़ैन यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए अभी दूसरा फ़ैन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है ये, और इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर से हमें उसी मेथड को अपनाना है जो अभी हमने आपको बताया, पावर देना है और पावर देने के बाद फिर से इसे टेस्ट स्विच बटन दबा कर और चेक कर लेना है। याद रखिए दो फ़ैन होता है, इसमें एक फ्रीज़र और एक रेफ्रिजरेटर, एक बार बटन दबाने के ऊपर दोनों फ़ैन कंटिन्यू चलेगा, दोनों में से जो भी फ़ैन ख़राब होगा वो 20 सेकंड के बाद बंद होगा और फिर स्टार्ट होगा, फिर 20 सेकंड के बाद बंद होगा, फिर स्टार्ट होगा और फिर आफ्टर 20 सेकंड वो दोनों फ़ैन आपका कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। मतलब 1 मिनट में 3 बार चालू बंद जो करेगा समझ लीजिए वो आपका फ़ैन ख़राब है, और फिर आप दूसरा फ़ैन रिप्लेस करिए, आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए हमने नया इंस्टॉल कर लिया है, अभी हम फिर से वही प्रोसेस को दोहराएंगे। तो फ्रिज में फिर से आप पावर देंगे, पावर देने के बाद डोर ओपन करके देखेंगे लाइट आ गया है मेरे फ्रिज में, मतलब पावर आ चुका है। फिर से हम अब ऊपर जाएंगे और टेस्ट स्विच बटन को एक बार दबाएंगे। देखिए यहाँ पर एक टेस्ट स्विच बटन है, उसे एक बार हमें प्रेस करेंगे तो एक बीप का भी साउंड आता है। तो टेस्ट मोड चालू हो गया और देखिए हमारा दोनों फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है, अब रेफ्रिजरेटर फ़ैन बंद नहीं होगा। देखते रहिए, अभी मेरा फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर दोनों कंटिन्यू चलेगा, मतलब मेरा दोनों फ़ैन ठीक हो गया है। और इस फ़ैन को जब हम कनेक्ट करेंगे, सेट करेंगे, तो देख लेना है यहाँ पे जो कंट्रोलर और हीटर का वायर होता है उसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, नहीं तो फिर रेफ्रिजरेटर फ़ैन में टच करके फिर से आपको रेफ्रिजरेटर फ़ैन का एरर दे सकता है। ये आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है LG के डबल डोर फ्रिज में फ़ैन मोटर को डायग्नोसिस करने का तरीका। अभी देख सकते हैं दोनों फ़ैन मोटर मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी जो फ़ैन का एरर था वो भी ख़त्म हो गया है और ये मेरा टेस्ट स्विच में दोनों फ़ैन चेक भी हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसे इस वायर को वायरिंग ठीक से करके आपको फिर से इसे सेट कर देना है। ये देखिए मेरा डिफेक्टिव फ़ैन दिख रहा, अभी हमने आपको वीडियो पूरा दिखाया, कहीं से कटचूट कुछ नहीं किया। देखिए ये फ़ैन मेरा लगने के बाद 1 मिनट एकदम कंटिन्यू चलेगा, इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है। अभी जब फ़ैन ठीक रहेगा तो कंटिन्यू चलेगा, जो हमारा टेस्ट स्विच में 5 मिनट में कंप्रेसर और 5 मिनट के लिए फ़ैन भी चल लेगा
ऑप्शन रहता है, तो बहुत ही अच्छा है अभी इंजीनियर भाई लोग के लिए। आप फील्ड में अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो फ्रीजर फैन को ऐसे अब इस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।